और न जाने कोई, जिसके चोट लगती है जख्म होता है, वही दूसरों के जख्म और दुख और तत्व समझ सकता है। तो मैंने पहली जो पॉलिटिकल फिलोसफी दी वो न सोशलिज्म न कम्युनिज्म कोई नहीं दी। मेरी पॉलिटिकल फिलोसफी है रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म, यानी हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी। यानी मुंह से जो कहो जिसका दर्द दो, जिसकी तकलीफ करो, उसका अमली मुजाहरा करो। आप देखिए कि मुझे गद्दार क्यों कहा गया। आप देखिए कि 1987 में कराची हैदराबाद में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर अलग पोस्ट आए। उसके बाद 88 में हम एमएलए बने, हमसे मुराद एमक्यूएम के सेनेटर्स बने, एमएलए बने, एमपीए बने, और हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हुआ। मैं उन तफसीलात में जाना नहीं चाहता कि वो इत्तेहाद क्यों टूटा, क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वो इत्तेहाद टूट गया। फिर हमने नवाज शरीफ साहब से इत्तेहाद किया, अभी हम उनके साथ इत्तेहाद थे। उन्हीं के जमाने में कौमी असेंबली में एक फहरिस्त पेश की गई, वहां में फौजी ऑपरेशन की जरूरत है, 72 बड़ी मछलियों को पकड़ना, इसलिए फौजी ऑपरेशन की जरूरत है। जो अहबा बराए तावान की वारदातें करते हैं, जो अहबा बराए तावान की वारदातें करने वालों को पना देते हैं, जो डाकू है उन लोगों को और उनकी सरपरस्ती करने वाले पठारेदारों को, जागीरदारों को, बडेरों को हमें पकड़ना है। ये पेरिस कौमी असेंबली के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है, लेकिन वो ऑपरेशन 98% पाकिस्तान के गरीब मजलूम आवाम की तहरीक को उछलने के लिए, ये फहरिस्त 72 मछलियों की गाड़ में दरअसल 98% गरीब मुतवस्सित तबके के हुकूक की जिद्दोजहद करने वाली जमात एमक्यूएम को कुचलने के लिए तैयार की गई थी। और वो सारा का सारा ऑपरेशन फौजी आर्मी ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ था, जिसमें झूठे झूठे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स यानी इकरारिया बयाना कि वो टेलीविजन पर आकर बयान दे कि अल्ताफ हुसैन ने हमें ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, ये हुक्म दिया, और फिर जाली झूठे टॉर्चर सेल एजेंसियों ने खुद बनाए और उसको टीवी पर दिखाया, और फिर ये प्रोपेगेंडा किया कि अल्ताफ हुसैन पंजाबियों
ζωνό κατ'εσμάν, βαλωτσό κατ'εσμάν, πάκε ουραβ, μόι, γρήβο κι γε ζεμάρ κι οκουτήε. Πώς κο κουτσέν διά γάε, πάκε στέτας κο να τούτε, γιάνι και φώτι γερνέλ, ब्यूरोक्रेट यानी ब्यूरोक्रेसी फौजी जर्नल और फ्यूडल लॉ जागीरदार वडेरे सरदार खवानी इनका गठजोड़ हुकूमत करता रहे और आवाम पाकिस्तान के गरीब गरीबी रहे और इन्होंने दो मुल्क में सिस्टम बना दिए अमीरों के रहने सहने पढ़ने लिखने इलाजों मुआवजे हर चीज उनके लिए अलहदा और गरीब पाकिस्तान के हो पंजाब के हो बलूचिस्तान के हो चाहे पख्तूनख्वा के हो चाहे वो सूबे पंजाब के हो वो दरियों पे बैठकर टूटे फूटे स्कूलों में पीले स्कूलों में तालीम हासिल करें और फौजी जर्नेलों जागीरदारों वडेरों और देरो देश के बच्चे या तो गैर उन्हें कोई तालीम हासिल करे और अगर मुल्क में भी हासिल करे तो पाकिस्तान का लिटरेचर सर पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला लिटरेचर ना पढ़े बल्कि अमेरिका बरतानिया से आने वाला लिटरेचर पढ़े इसी तरीके से इलाज व मुआवजे का मसला गर्ज ये के मुआशरे को दो तबकात में बांट दिया और ये जो तबका है जागीरदार वडेरों जर्नेलों और ब्यूरोक्रेट का सरदारों का खवानीन का ये सिर्फ 2% है 2% है मुल्क में ये 2% और इनके खानदान हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं मुबशिर लुकमान साहब जब नवाज शरीफ साहब से इत्तेहाद किया तो जब मोहतरमा बेनजीर कुतुब शहीद से इत्तेहाद किया तो जब हमने शौकत अजीज साहब जिस मुल्क नहीं गए मुल्क चले गए लेकिन उनके साथी तो पाकिस्तान में